मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट मासेस का निकालना हो, अलग अलग मासेस का, जैसे यहाँ पे चार मास थे, तो हर एक मास का इनटू जितने रेडियस में वो मास घूमता है, एम आर स्क्वेयर एम आर स्क्वेयर एम आर स्क्वेयर करके हमने सारे ऐड कर दिए थे। तो एक मास का निकाला था बेटा, रेडियस बना था ए बाय रूट टू, तो एम इंटू रेडियस का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाय टू, लेकिन ऐसे चार मास थे इसलिए इंटू फोर कर दिया, तो लास्ट टाइम ये कर चुके हैं, 2ma² आंसर आया था। आज के लिए बेटा पहला क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस पे मास mmm ईच पड़ा है, और इस ट्रायंगल को हमने पॉइंट ए के अबाउट घुमा, ऐसे पॉइंट ए वुड बी सेंटर, ठीक है, इसको ऐसे रोटेशन देना है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? चैट बॉक्स में कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, और यशस्वी का आंसर ठीक है, अंशवर्धन का सही है, कुणाल का आंसर ठीक है, अंकिका चैटर्जी का आंसर भी ठीक है, वेरी गुड बेटा, हरजस का आंसर भी सही है, वेरी गुड, अमितोज का आंसर भी ठीक है बेटा, वेरी नाइस, भाविक का आंसर भी ठीक है। सिर्फ दो मास घूम रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला मास तो घूम ही नहीं रहा, इस मास ने नहीं घूमना बेटा, ए वहीं पे रहेगा, सिर्फ बी और सी घूम रहे हैं, और उनका घूमने का रेडियस है एल एल ईच, तो ml स्क्वेयर बस दो बार आएगा, ठीक है बेटा, जिन्होंने आंसर दिया है 2ml² सभी का आंसर सही है बेटा, 2ml² बहुत सारे बच्चों का आंसर है, करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही है, चलिए तो आंसर इज 2ml², करेक्ट। चलो अब अगला क्वेश्चन आज के लिए है, अगेन आर ट्रायंगल, अगेन उसका साइड एल और सभी मासेज mmm ईच, ठीक है, इस बार इस पॉइंट के अबाउट नहीं घूमना, अब सेंटर के अबाउट घूमना है, साइड इक्वल टू एल, मासेस एम ईच, इस बार सेंटर के अबाउट रोटेट करना, ऐसे ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस बार, तो अब निकालिए क्या आंसर आएगा, लेट अस सी, आप सही निकालते हैं गलत निकालते हैं, लेट अस, हाँ दोबारा देख लो बेटा, कोई डाउट है किसी को, तो ये अपना सेंटर था, ये निकालना है आपको आर, दिस एंगल इज 30 डिग्री, बेस ऑफ द ट्रायंगल L/2, ठीक है, साइड का हाफ कर दिया, और हाइपोटेन्यूज चाहिए आपको, बेस L/2 को हाइपोटेन्यूज आर से डिवाइड किया, तो कॉस ऑफ 30 आएगा, कॉस 30 की वैल्यू पुट कर दी, उससे रेडियस निकल आएगा L/√3, रेडियस आ गया, फिर आगे आसान है, मास इनटू रेडियस स्क्वायर, लेकिन ऐसे तीन मास थे, इनटू थ्री कर देंगे, थ्री से थ्री बेटा कैंसर, ml². चलिए एक्स्ट्रा इंक मैं इरेज कर रहा हूँ, होप के नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है, वैसे अब अपने आप भी आना चाहिए, जरूरी कि मैंने बताना ही आपको, अपने आप भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं है, अदरवाइज किसी का रहता है, टेक अ स्क्रीनशॉट, चलिए एक्स्ट्रा क्लियर, और वापस आते हैं अपने, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा 3 टाइम्स एम इंटू L/√3 का स्क्वायर, यानी ml, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शुरू करता हूँ, आज हमने शुरू करने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, आज का टॉपिक ये रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन,
इसमें रहेंगे मासेस कैसे, जैसे कि एक रॉड हो सकती है इस तरह से, बेटा वीडियो की तरफ देखिए, ऐसे एक रॉड है, इसको घुमाना है ऐसे, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। या फिर हो सकता है एक रिंग हो, रिंग जैसे ये रिंग है मेरे हाथ में, इसको बेटा ऐसे रोटेट करना है, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। कभी कभी आप खेलते हो एक फ्लाइंग डिस्क के साथ, फ्लाइंग डिस्क को आप ऐसे फेंक देते हो, घूमते हुए जाती है वो बेटा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। या एक सीडी की बात करें, ये सीडी ही है आपके सामने अभी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एक स्फीयर जब घूमेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आज ऐसे वाले केस डिस्कस करने हैं जिनमें मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस है। चलिए, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम थोड़े से मास का पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला वही है पुराना, वो थोड़ा सा मास इनटू वो कितने रेडियस में घूमता है आर स्क्वायर, फिर ऐसे थोड़े 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 मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का टोटल करेंगे। तो जब छोटे 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 पीसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो आपने डायग्राम भी कोई ड्रॉ नहीं करना, फॉर्मूला आपका ये रहेगा बेटा, एम मतलब बड़ा मास, डीएम मतलब छोटा सा मास, वो छोटे छोटे मासेस का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उससे आंसर आएगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेटा एक और इशू है, वो है कि अगर मैं इस रिंग को हाँ जी मेरी तरफ देखिए बेटा, मेरा वीडियो आ गया बेटा स्क्रीन पे? यस सर। अगर मैं इस रिंग को बेटा इस लाइन के अबाउट घुमाता हूं ऐसे, तो कुछ और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसी रिंग को अगर मैं ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे भी घुमा देते हैं ना कई बार टेबल पे रख के, ऐसे ऐसे घूमता कई बार ना ये टेबल पे रख के। यस सर। ठीक है बेटा, इस बार ये घूम रहा है अपने डायमीटर के अबाउट, इस लाइन के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा। इसी रिंग को अगर मैं ऐसे घुमाता हूं, देखो जरा इस तरह से बेटा, ऐसे अगर मैं ऐसे घुमाता हूं, तो बेटा ये इस लाइन के अबाउट घूम रहा है, अब ये वाली लाइन के अबाउट ऐसे घूम रहा है बेटा। इस बार एक्सिस, ये जो पिन है मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, ये वाली एक्सिस है। हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा। तो हमने ना दो थ्योरम्स हमें हेल्प करेंगी इसमें, पहले वो थ्योरम्स कर लें, जिसके थ्रू फिर एक बार एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया, बाकी के हम खुद ही मैनेज कर पाएंगे, नए सिरे से नहीं निकालने पड़ते, पुराने वाले से आंसर निकल आता है। तो उसके लिए पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले ये करनी है हमने, धीरे धीरे समझाऊंगा और दो बार समझाऊंगा, क्योंकि ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ नहीं आता एग्जाम में। अगर किसी स्कूल में प्रूफ करा दिया मान लो टीचर ने ना, तो मुझे बता देना एक बार, तो फिर मैं प्रूफ के लिए ना एक अलग वीडियो बना हुआ है, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसका अलग वीडियो है, कोई बात नहीं है। प्रूफ एग्जाम में लेकिन नहीं आता, किसी स्कूल में अगर करा दिया मुझे बता देना बेटा एक बार। तो थ्योरम्स हमें हेल्प करेंगी कि अगर मैंने रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला निकाल लिया, तो अगर मुझे डायमीटर के अबाउट रिंग को घुमाना है, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो मुझे नए सिरे से कैलकुलेशन नहीं करना, ये थ्योरम जो है ना इसी को यूज करके हम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया बाकी के निकाल पाएंगे। एक बार निकालेंगे पहले जो सेंटर के अबाउट है, जो एक्सिस के अबाउट है, सेंटर के थ्रू जो क्रॉस करती है, वो हम एक बार निकाल लेंगे, उसके बाद फिर थ्योरम यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर वो लंबे प्रोसेस में नहीं पड़ेगा। तो पहली थ्योरम है कॉल्ड थ्योरम ऑफ पैरेलल, सॉरी सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।
अभी लिखना नहीं कुछ, आपने लिखेंगे बाद में, पहले समझिए बेटा थ्योरम है क्या। थ्योरम बेटा ये कहती है, प्रूफ मैंने बोला सिलेबस में नहीं है, बाकी फिर भी किसी टीचर ने कराया किसी स्कूल में मुझे बता देना। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब जो ऑब्जेक्ट का शेप है ना, डिस्क है फॉर एग्जांपल ये, उसको जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बेटा परपेंडिकुलर होगी, देखो जरा ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है, ये जो पेन है, वो डिस्क को परपेंडिकुलर हो गया, चेक करो बेटा। यस सर, हो गया है ना। तो इस एक्सिस के लिए थ्योरम है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए। थ्योरम ये कहती है कि अगर हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या डिस्क हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, कोई और शेप भी हो सकती है, लेकिन वो एक प्लेन की फॉर्म में होने चाहिए। डिस्क इज अ प्लेन, पेपर इज अ प्लेन, नोटबुक इज अ प्लेन, रिंग इज ऑल्सो अ प्लेन, ये भी प्लेन है। प्लेन के लिए फिजिक्स में वर्ड यूज होता है लेमिना, एल ए एम आई एन ए, लेमिना मतलब शीट। जो भी ऑब्जेक्ट शीट की फॉर्म में है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि शीट के साथ परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री है, ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर उसके लिए क्या करना है आपने, ये एक्सिस जिस पॉइंट पे आके बॉडी को मिलती है जो शीट की फॉर्म में है, उसी पॉइंट के थ्रू दो राइट एंगल पे एक्सिस और ड्रॉ कर देनी है। आपको एक्सिस नजर आ रही है बेटा, ये क्या yes, देख सकते हैं ना। yes. दोबारा सुनो बेटा, जो हमारी एक्सिस है वो इस शीट को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसे मेरी उंगली है अभी, ये एक्सिस है। अगर हमने डिस्क को ऐसे घुमाना हो तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकालना है अगर, तो उसके लिए इसी पॉइंट में से पास होते हुई दो लाइनें और ड्रॉ कर दो, वो आपस में राइट एंगल पे होनी चाहिए, एंगल 90 डिग्री है दोनों लाइनों में, जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है। अब आपने क्या करना है, एक तो इस लाइन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी अगर डिस्क को मैं इस लाइन के अबाउट घुमाऊं ऐसे, बेटा समझ गए, अगर अपनी एक्सिस ये वाली हो इसको फिक्स रखना है, बाकी की डिस्क इसके अबाउट घूमेगी, तो ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर है I1, और इस लाइन के अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, यानी ये वाली लाइन फिक्स रहेगी बाकी की डिस्क ऐसे घूमेगी। यू गॉट द पॉइंट बेटा, ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, और जो मैं अभी घुमा रहा हूं वो वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I2 है, तो थ्योरम सेज I1 में I2 वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दो तो फिर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। दोबारा बताता हूं एक बार दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ना 3D थोड़ा सा फिगर है। दोबारा सुनो, मुझे निकालना है कि अगर मुझे डिस्क को इस लाइन के अबाउट, यानी जो पेन है ना इसके अबाउट घुमाना है ऐसे, राइट, यानी जो गिवन एक्सिस है वो डिस्क के प्लेन को राइट एंगल पे है। अगर मुझे इस लाइन के अबाउट डिस्क को घुमाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, वो निकालने के लिए इसी पॉइंट में से क्रॉस होती हुई दो लाइंस और ड्रॉ कर दो, तो ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, दिस वन एंड दिस वन। इसका मतलब है कि अगर डिस्क ऐसे घूमती तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, और इसके अबाउट मतलब अगर डिस्क ऐसे घूमती तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, राइट। ये वाला आई वन है, ये आई टू है, आई वन को आई टू में प्लस कर दो तो ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा कि डिस्क ऐसे घूमेगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन प्लस आई टू होगा। यही फिगर आपके सामने बनी हुई है बेटा, थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं, ये फिगर भी यही दिखाती है। हाँ ये डिस्क नहीं है, ये थोड़ा सा एक इररेगुलर शेप का बॉडी है, बट ये भी शीट है। आपको हाथ नजर आ रहा है बेटा ये वाला, कैन यू सी दिस हैंड? यस सर, दिख रहा ठीक है।
तो बेटा ये तो वो एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था हमें, दिस वन। तो जहां पे ये एक्सिस गिवन बॉडी को मिलती है इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट के थ्रू हमने दो राइट एंगल पे एक्सिस और ड्रॉ कर देनी है। इसी पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू जो मैंने ब्लैक कर दिया, इसके थ्रू हमने दो एक्सिस और ड्रॉ करनी है यहां पे बेटा, जो कि आपस में राइट एंगल पे हो। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है ऐसे और दूसरी लाइन बेटा इसके और राइट एंगल पे ड्रॉ कर दी है ऐसे। डायग्राम थ्री डिमेंशनल है एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। बस हमने बॉडी को एक बार बेटा इस लाइन के अबाउट घुमाना है ऐसे, देखेंगे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, वो I1 आ गया। एक बार इस लाइन के अबाउट घुमाएंगे ऐसे, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 आ गया। तो बेटा ये जो मेन एक्सिस थी जिसके अबाउट निकालना चाहते थे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I would be equal to simply I1 plus I2। चलो मैंने तीन बार बता दिया, फिर भी अभी भी डाउट है दोबारा फिर बेटा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। स्टेटमेंट भी देख लीजिए साथ साथ में क्या है। ये एप्लीकेबल है सिर्फ लैमिनर बॉडीज के लिए जो शीट की फॉर्म में है, यानी ऐसे केस में अप्लाई नहीं होगा। ये क्या है, What is this? Potato है ना? Potato is a three dimensional body. इसमें नहीं लगेगी थ्योरम में ये बेटा। ये लगेगी जो शीट की फॉर्म में है। शीट की फॉर्म में मतलब मोबाइल फोन हो सकता है, प्लेन की फॉर्म में है, ये चीज हो सकती है जो कि प्लेन की फॉर्म में है, राइट? डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकता है, इन सब में लग जाएगी। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हमने जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो ऑब्जेक्ट का शेप शुड बी अ शीट। रेक्टेंगुलर शीट भी हो सकती है, रिंग हो सकता है, यानी अगर मुझे एक नोटबुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसे करते। चलिए ये अपनी मान लो एक ना नोटबुक है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप में होगी। तो जैसे बच्चे ना नीचे उंगली रख के घुमाते हैं ना कॉपी को, ऐसे इधर को घूमती है ना, नीचे नीचे हाथ रखा होता है उंगली लगा के, ऐसे कई बच्चे घुमा देते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें नोटबुक को घुमाना है और पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये निकालना है, तो इस नोटबुक के इस पॉइंट में से दो एक्सिस में ड्रॉ करूंगा, एक ऐसे और एक इसी के परपेंडिकुलर। ये एंगल है 90 डिग्री। तो पहले मुझे पता करना है कि अगर नोटबुक इस लाइन के अबाउट घूमती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1, अगर इसी नोटबुक को इस लाइन के अबाउट घुमाते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I2। I1 और I2 को बेटा प्लस कर लो, वो आ जाएगा इक्वल टू I। अब मैंने चार बार बता दिया, अब तो समझाना चाहिए। अभी भी किसी को डाउट है बेटा, अभी भी यू कैन रेज योर हैंड और माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हां जी बेटा बोलिए बोलिए। सर जो नोटबुक होती है सर, वो तो थ्री डायमेंशनल होती है? नहीं, टू डायमेंशनल। सर अगर हम एक 300 या नहीं, टू डायमेंशनल नोटबुक इज टू डायमेंशनल बेटा। अगर इसका इधर को थिकनेस भी होगा, बुक मोटी बुक, वो 3D है। इसको हम एज अ पर थिकनेस तो है ना, पर फिर भी हाँ थोड़ी सी है, उतनी तो चलेगी है ना। थिकनेस तो बेटा इसकी भी है, जीरो तो नहीं है, इतनी चल जाएगी। हाँ बहुत मोटा नहीं करना, इट शुड बी अ शीट, राइट? पेपर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, पेपर। पतली होनी चाहिए बस, थिकनेस शुड बी ऑलमोस्ट जीरो, उस केस में एप्लीकेबल है। चलो अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई। पहले जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है
ये एक्सिस है वो इस बॉडी को राइट एंगल पे होनी चाहिए और इसी पॉइंट के थ्रू आपने दो लाइन और ड्रॉ करनी है। एक बार इसके अबाउट निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ऐसे घुमाएंगे तो कितना आएगा, एक बार इस लाइन के अबाउट निकालेंगे कि अगर ऐसे घुमाएंगे तो कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इन दोनों मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया को प्लस कर दें और आंसर निकल आएगा। दोनों मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया को प्लस कर लेंगे और आंसर निकल आएगा बेटा। ओके, कोई डाउट बेटा? इसमें एक्स्ट्रा इंक मैं इरेज कर रहा हूं और स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा। स्टेटमेंट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिनर बॉडी, वो बॉडी जो शीट की फॉर्म में है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, जो वो शीट है ना उसको एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट जब निकलना है तो वो होगा सम ऑफ, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ऐड करने हैं, कौन कौन से, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। एक्सिस में तीन कंडीशन है बेटा, ध्यान से सुनिए, तीन कंडीशंस। नंबर वन, वो दोनों एक्सिस आपस में राइट एंगल पे होनी चाहिए। नंबर टू, इसी पॉइंट में से ड्रॉ करनी है। नंबर थ्री, वो बॉडी के ना प्लेन में लाई करनी चाहिए। ये मैंने दो जो ब्लैक लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं वो मैंने सीडी के ऊपर ड्रॉ की हैं, सीडी के ऊपर ही हैं वो इसी प्लेन में लाई करनी चाहिए एंड इसी पॉइंट में से उन दोनों लाइंस को क्रॉस करना है। इस पॉइंट में से जहां पे गिवन एक्सिस बॉडी को मिलती है, इस पॉइंट पे आके ये पैन जो है ना इस पॉइंट पे आके मिलता है, इसी पॉइंट में से पास होनी चाहिए। चलो एक काम करो बेटा, अलोंग विद डायग्राम सारा कुछ नोट डाउन भी करना है, क्विकली कैरी इट ऑन बेटा। पूरा हो जाएगा तो एक बार जरा मुझे ना चैट बॉक्स में डन लिख देंगे। चलिए अब दूसरी थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, सेकंड थ्योरम। दो ही है बस, दो ही है, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, दो थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये एप्लीकेबल है सभी टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। हाँ जी बेटा, अपना नाम टाइप नहीं करना, आपने डिसेबल कर देता। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पहले सुनो ध्यान से बेटा, ये पोटैटो मैंने साथ में क्यों रखा आज, इसको समझाने के लिए रखा। अगर इस पोटैटो को मेरी उंगली के अबाउट घूमना है, मैं स्क्रीन ना अपने वाली बड़ी कर देता हूं, जस्ट वन मिनट, कैन यू सी मी फुल स्क्रीन? यस सर। चलो देखो बेटा, अगर मुझे ना इस पोटैटो को, ये मेरी फिंगर जो है ना इसके अबाउट घुमाना है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, पोटैटो को घूमना है ऐसे, समझे? अभी घुमाऊंगा नहीं क्योंकि पोटैटो हैवी है, धागा मेरा उतना मजबूत नहीं है, कहीं बाद में, वाइफ भी है ना घर में, एक यू नो एक वाइफ होती घर में, हाँ उससे सारे डरते हैं बेटा, गलत काम हो जाएगा फिर तो। गलत काम हो जाएगा, हाँ वो जब सेंटर में होते हैं फिर तो हम अकेले ही होते हैं, वहां पे कुछ भी कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते। तो इसको अगर मैं तेज घुमाऊंगा ना तो हो सकता है यहाँ कहीं जाके टकरा जाए ये, क्योंकि इसका मास काफी ज्यादा है। तो सोचो कि इस फिंगर के अबाउट पोटैटो को घूमना है, राइट? ये अपनी एक्सिस है, जो मैंने उंगली खड़ी की हुई है वही एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन देना है। तो थ्योरम सेज कि अगर आपको ये एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक मोटे से ऑब्जेक्ट का, ये 3D है, अब इस पे कोई कंडीशन नहीं है कि ये प्लेन की फॉर्म में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इस एक्सिस के अबाउट मुझे पोटैटो को रोटेट करना है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसके लिए आपने क्या करना है, पोटैटो के थ्रू आपने एक और एक्सिस ड्रॉ करनी है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास में से क्रॉस करे।
बेटा आपको दिख गया ये? Yes, sir. ये देखो, ये देखो, ये तो थी अपनी गिवन एक्सिस, इसका नाम क्या है थ्योरम का? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हाँ, तो देखो देखो, दो लाइनें, दो लाइनें पैरेलल होगी, मेरी फिंगर और ये जो ऊपर को पिन खड़ा है ये आपसे पैरेलल है? Yes, तो जिस लाइन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का, तो उस लाइन के पैरेलल एक लाइन इसके सेंटर ऑफ मास में से पास करनी है। पोटैटो का जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसमें से पास करना है बेटा। तो पहले इस लाइन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि अगर पोटैटो को ऐसे घुमाते तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि गिवन एक्सिस के होगी पैरेलल। तो पहले इस लाइन के अबाउट घुमाएंगे पोटैटो को, अगर ऐसे घूमना होता तो कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता, पहले वो निकालेंगे। इसके बाद एक सिंपल काम करना है, मुझे निकालना तो फिंगर के अबाउट है, हमारी एक्सिस ये वाली है गिवन एक्सिस। पोटैटो को अल्टीमेटली फिंगर के अबाउट घूमना था, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फिंगर के अबाउट। अब आपने जो ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस लाइन के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में सिंपली एक चीज प्लस करनी है। वो क्या प्लस करना है? पोटैटो का मास जो भी होगा इनटू ये जो धागे का लेंथ है बेटा, ये रेडियस है एम आर स्क्वायर, इसमें और ऐड कर। दोबारा सुनो फिर से, एक बार दोबारा समझो। फिंगर के अबाउट पोटैटो को घूमना था ऐसे, राइट, जो कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है, इसलिए हाथ में पकड़ा हुआ है। फिंगर के अबाउट पोटैटो को घुमाना था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना था। फिंगर के पैरेलल मैंने एक और एक्सिस पोटैटो के सेंटर ऑफ मास के थ्रू ड्रॉ कर दी। पहले ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कि ये कितना है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आया उसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है पोटैटो का मास इनटू ये जो थ्रेड का लेंथ है बेटा, थ्रेड का लेंथ कह लो या कह लो के एक्सिस से, गिवन एक्सिस से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। गिवन एक्सिस से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। अब मैं आपको ना वापस लेके जाता हूं अपनी स्लाइड पे, एक बार दोबारा समझाऊंगा। ये अपना बेटा पोटैटो था, देखो जरा इस पोटैटो को इस वाली लाइन के अबाउट घूमना है ऐसे, समझ गए बेटा। तो सबसे पहले इस लाइन के अबाउट जो कि अपनी गिवन एक्सिस है उसके पैरेलल एक एक्सिस पोटैटो के सेंटर ऑफ मास में से ड्रॉ करेंगे। तो पहले ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कि पोटैटो अगर इस लाइन के अबाउट घूमता ऐसे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। उसका नाम हमने रख दिया ICM, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, समझ आ गया। अब हमें ये वाला निकालने के लिए कि इस लाइन के अबाउट क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ICM में प्लस करेंगे पोटैटो का मास इनटू RCM, यहां से एक्सिस से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी ऐसे सपोज करेंगे कि शायद अगर अगर बेटा पोटैटो जो है ना वो इतना बड़ा ना होके एक पॉइंट मास होता, ये अपनी है गिवन एक्सिस जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। पोटैटो का सारा मास ना एक पॉइंट मास की फॉर्म में, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन यही तो होती है कि सारा मास एक पॉइंट की फॉर्म में एक पॉइंट पे पड़ा होता है, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास को घुमाना होता सिर्फ पोटैटो की जगह इसी एक्सिस के अबाउट, तो इसका बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होना था एम इंटू रेडियस का स्क्वायर, RCM स्क्वायर। ये हमने प्लस करना है जो पिछला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा ये नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब इसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में बेटा लिखना है आपने
इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, समझे ना, इसमें वो शीट वाला चक्कर नहीं है कि प्लेन की फॉर्म में होना चाहिए. सेकेंडली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, वो सम होगा दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कौन कौन से, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस जो मैंने ये ड्रॉ की पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, गिवन एक्सिस के वो पैरेलल होनी चाहिए और सेंटर ऑफ मास में से पास होनी चाहिए. पहले ये वाला निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें प्लस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस. इसमें हमने ऐड करना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा ना होके, पोटैटो जैसा ना होके, सिर्फ एक पॉइंट की फॉर्म में होता ताकि उसका सारा मास m उसके सेंटर ऑफ मास पे पोजिशनड होता, तो जितने वो रेडियस में घूमेगा उस रेडियस को हम RCM लिखेंगे, तो उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, MRCM स्क्वायर, उसको बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस. ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको बेटा हमने प्लस कर देना है ICM, तो गिवन एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. अब एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट है बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. तो अब मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस के. तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड. रॉड यानी ऐसे जैसे ये पेन है, इसको हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट घुमाना है. बेटा समझ गए, इस लाइन के अबाउट रोटेट करना है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट. चलिए तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर दिया. अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि जब इसको रोटेशन देंगे हम, तो जो पॉइंट्स तो हैं एक्सिस के ना बिल्कुल पास वाले बेटा, वो कम रेडियस में घूमेंगे. जो पॉइंट थोड़ा यहां से दूर है वो और बड़े रेडियस में घूमेगा. जो पॉइंट और दूर चला गया उसका अगेन डिफरेंट रेडियस होगा. और जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे पॉइंट्स हैं उनका सर्कल सबसे बड़ा बनेगा. एग्रीड ना, सभी जगह रेडियस अलग अलग है. तो मुझे क्या करना है, मैं पहले ना छोटे से पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, इतने से पीस का, फिर उसको हम करेंगे इंटीग्रेट ताकि सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल पूरी रॉड का निकल जाए. तो आपको पहले अभी पहले देखना है एक बार कि क्या क्या किया, फिर एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. स्टिल कोई डाउट होगा देन आई वुड एक्सप्लेन अगेन. तो सभी पॉइंट्स को जब इसको रॉड को घूमना है तो सभी पॉइंट्स ने अलग अलग रेडियस में घूमना है. तो मुझे पहले एक छोटे से पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फिर उसको पूरी रॉड पे ना जितने भी छोटे 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 मासेस है ना सबके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस करने ऐड करने. चलो अब स्टेप्स देखो मेरा क्या क्या हो रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉड की लेंथ ले लेंगे कैपिटल एल और पूरी रॉड की जो मास है वो है m, m कैपिटल, रॉड की लेंथ l. यहां से कुछ डिस्टेंस पे, डिस्टेंस x पे एक छोटा सा लेंथ लेंगे, छोटा सा लेंथ. उस छोटे से लेंथ को लिखेंगे, अगर इसको लिखा आपने x तो उस छोटे से लेंथ को लिखना dx जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है. अच्छा बताएंगे ये कितने रेडियस में घूमेगा, ये येलो वाला पार्ट सर एक्स, एक्स रेडियस में घूमेगा. बहुत अच्छे. तो अभी मुझे ना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है मुझे, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, वो होता है सिंपली एम इंटू आर स्क्वायर. जैसे पीछे निकालते रहे हम वो स्क्वायर वाले केस में निकाला, ट्रायंगल वाले केस में निकाला, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर प्लस करना होता है. बट मुझे अभी ये नहीं पता कि इसका बेटा मास कितना है, इसका मास कितना है.
अच्छा कोई बच्चा बताएगा बेटा कैसे निकाला जा सकता है मास इस लेंथ का, जो ये छोटी सी लेंथ है डी एक्स, इसका मास कैसे निकालना चाहिए? टोटल लेंथ एल का मास है बेटा एम के जी। सर एम बाय एल इनटू डी एक्स। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, एक मीटर का मास होगा एम बाय एल और डी एक्स लेंथ का मास होगा कितना, एम बाय एल इंटू डी एक्स। सही है बेटा, ये आ गया मास इस येलो वाले पार्ट का, येलो वाले पार्ट का मास निकल आया। ओके अब बेटा मुझे करना है कि इसको घूमना है कितने रेडियस में, रेडियस एक्स, ठीक है रेडियस इज एक्स। अच्छा तो अगर पूछे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा होता है मास इनटू जितने रेडियस में से घूमना है, तो मास की जगह हमें लिखना है ये वाला मास बेटा, यानी एम बाय एल इनटू डी एक्स, ये तो हो गया मास, और जिस रेडियस में वो घूमेगा उसका करना है स्क्वायर, इनटू करेंगे एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल मैंने बताया था आई, तो ये हो गया थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको मैं लिखूंगा डी आई। तो यही स्टेप मैं लिखने वाला हूं अभी, इधर एक्स्ट्रा इंक को हटा देते हैं और दोबारा आपको सारा कुछ करके दिखा रहा हूं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस येलो वाले पार्ट का, वो निकालने के लिए पहले येलो वाले पार्ट का मास निकालेंगे। तो जैसा बोला अभी टोटल लेंथ थी एल, एल लेंथ का मास है एम, एक मीटर का मास एम बाय एल और डी एक्स मीटर का मास इंटू डी एक्स कर देंगे यूनिटरी मेथड, और इसने घूमना है रेडियस एक्स में, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है येलो वाले पार्ट का डी आई, वो आएगा बेटा मास इंटू रेडियस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। होप के यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को, I think there shouldn't be any doubt. मास निकाल दिया मैंने येलो पार्ट का और उसके रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये रॉड घूमेगी तो ये जो येलो वाला पार्ट है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इतना मिलेगा। अब मुझे निकालना पूरी रॉड का कि dx कभी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये सभी dx dx जितने हैं ना सबके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने प्लस करने हैं, प्लस करने हैं मतलब एड करने हैं, ऐड करने को बेटा छोटा 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 ऐड करना हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करना है। अब उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी होती हैं कि कहां से ऐड करना शुरू करोगे और कहां तक करोगे, तो स्टार्ट करोगे माइनस एल बाय टू से और खत्म करोगे, बेटा ये जीरो है ना अगर, तो इधर को एल बाय टू चेक करो सही लिखा मैंने और इधर को माइनस एल बाय टू, इज इट ओके, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, इधर को प्लस एल बाय टू इधर को माइनस एल बाय टू। ओके तो मुझे अब करना है इसको इंटीग्रेट विद लिमिट्स माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू, डी आई की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले ही, सब्स्टिट्यूट कर दो इंटीग्रेशन में। डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर के बीच में कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं खाली ये इंटू एक्स। ओके अच्छा बेटा जब इंटीग्रेशन करते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं बेटा, जैसे डी एक्स इधर आएगा एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, एक्स वेरिएबल है लेकिन टोटल मास थोड़ी चेंज होगी, टोटल मास तो उतना ही रहना है और टोटल लेंथ भी उतना ही रहना है, तो ये जो एम है और ये एल लिखा हुआ है नीचे ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज है, इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है चलिए हर्षप्रीत बेटा, हर्षप्रीत ने बताना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, हर्षप्रीत, हर्षप्रीत चलो कृष्णा बेटा आप बताओ जी, कृष्णा बेटा कृष्णा माइक ऑन कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स क्यूब बाय थ्री बिल्कुल सही है। तो बेटा देखो मैंने x क्यूब बाय थ्री लिख दिया,
अगला काम होता है, अगर लिमिट्स दी है तो लिमिट्स पुट करनी है। एक बार x की जगह डालेंगे l बाय टू, l बाय टू, तो बच्चे देख लें एक बार कौन कौन से प्रेजेंट हैं। हाँ जी राजवीर ठाकुर बेटा, राजवीर बेटा आप बताना है कि l बाय टू का क्यूब क्या लिखा जाए। राजवीर, x की जगह l बाय टू पुट करना है। राजवीर ठाकुर बेटा, यस सर, क्या आएगा सर? x की जगह l बाय टू पुट करना है। हाँ, x की जगह l बाय टू लिखना है, l क्यूब बाय, हाँ एक बाय थ्री भी था, वो भी साथ में रखो, एक बाय थ्री भी था, क्या लिखा जाए? By 24 आएगा। Yes. By 24. तो आपने बोला कि L cube by 24 लिखो अपर लिमिट का वैल्यू। चलिए जी, अब बारी है यशस्वी की बेटा। अब x की जगह माइनस L by 2 डालो। Yes, sir. क्या आएगा? So बाहर भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एल क्यूब बाय 24 ही आएगा, प्लस एल क्यूब बाय 24 आएगा बेटा। वेरी नाइस। एक्चुअली नेगेटिव का क्यूब करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, बट लोअर लिमिट हमें माइनस करनी होती है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ऐसे लिखे बेटा एम बाय एल इंटू L क्यूब बाय 24 का डबल। बेटा दो बार आ गया ना, देखो जरा दो बार आ गया ना, अब दोनों प्लस करने हैं हमको, तो 24 बेटा कैंसिल कर देंगे, 12 आ जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बचेगा फिर आंसर? ML स्क्वायर बाय 12, ML स्क्वायर बाय 12, यही आंसर है बेटा, दिस इज करेक्ट आंसर, ML स्क्वायर बाय 12। चलो मैं स्टेप्स एक बार दोबारा फिर से लिख रहा हूं। एक बार हमने क्या किया, x की जगह पे l बाय 2 पुट किया, तो वो l क्यूब बाय 8 आना था, उसको इंटू 3 कर दिया 24, और माइनस l बाय 2 का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा वो, लेकिन लोअर लिमिट माइनस भी करनी होती है, माइनस माइनस प्लस, बाकी आना सेम ही है, l क्यूब बाय 24, तो प्लस करेंगे दो बार आ जाएगा l क्यूब बाय 24, और 2 से बेटा 24 कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, एंड यू गेट द आंसर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज 1 बाय 12 ml स्क्वायर, राइट? दोबारा देखो सारा कुछ क्या क्या किया बेटा। रॉड को घूमना था इस लाइन के अबाउट, हमने यहां से डिस्टेंस x पे एक छोटी सी लेंथ ले ली dx, पहले उसका मास निकाला, l मीटर का मास था m, 1 मीटर का m by l, dx मीटर का into dx, फिर इस मास को हमने रेडियस जिसमें इसने घूमना है dx ने, रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर ऐसे सारे dx 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 हमें ऐड करने थे, सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेशन, कांस्टेंट m by l बाहर, x square का इंटीग्रेशन होता है x cube by 3, अपर लिमिट डाला l cube by 24, लोअर लिमिट डाला तो माइनस l cube by 24, लेकिन लोअर लिमिट माइनस करना होता है, प्लस हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग इज मैथमेटिक्स, प्लस करेंगे डबल हो जाएगा, बाकी कैंसिलेशन एंड द आंसर i equal to 1 by 12 ml square। अभी नोट नहीं करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, पेपर में अगर आएगा तो बेटा यहाँ पे खत्म करना होता है, लेकिन अभी मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी लगा दी। अगर इस रॉड को इस लाइन के अबाउट घुमाना होता, ये जो रेड लाइन नजर आ रही है आपको बेटा, मेरी तरफ देखिए बेटा, एक मिनट हम वीडियो पे आते हैं, अभी शेयर को स्टॉप करता हूँ, मेरी फोटो दिखनी शुरू होगी बेटा अब? हाँ। Yes, sir. पहले हम रॉड को ना इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे थे, अब इसके अबाउट नहीं करना,
अब इस रॉड को इस लाइन के अबाउट, जो मेरी फिंगर है ना बेटा, इसके अबाउट रोटेट करना है ऐसे. आई थिंक यू कैन सी इजीली, ये अब एक्सिस है, एक्सिस अब इसके एंड में से क्रॉस कर रही है, इसके अबाउट घुमाना है तो क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा. पहले हम घुमा रहे थे सेंटर के अबाउट, पहले ये वाला निकाल रहे थे, अब निकालना इस लाइन के अबाउट, ऐसे घुमाना है. तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, उसके लिए जैसा मैंने बताया नए सिरे से सारा काम नहीं करेंगे, थ्योरम यूज करेंगे. थ्योरम ऑफ, बेटा ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल. तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज होगी. देखो जरा, हमें इस लाइन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो पहले इसके सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा बेटा. यस सर. हाँ, पहले इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किस एक्सिस के अबाउट, जो कि गिवन एक्सिस के पैरेलल हो. तो ये बेटा पैरेलल हुई हुई पहले ही, और ये निकाल चुके हम ये. तो ये वाला निकालने के लिए हमें इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई अबाउट सेंटर ऑफ मास में ऐड करना है इस बॉडी का मास, जो कि है एम, इनटू गिवन एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस का स्क्वायर. बेटा ये डिस्टेंस कितना, एल बाय टू, उसका स्क्वायर करो. यानी एम इंटू एल बाय टू का स्क्वायर इसमें और ऐड करना है. ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करके जरा देखो क्या आंसर आता है अपने आप नोटबुक पे. एम एल स्क्वायर को बाहर निकालो, एम एल स्क्वायर बाय थ्री, एम एल स्क्वायर बाय थ्री आ गया. वेरी नाइस, सिंपल है बहुत. एम एल स्क्वायर तो निकल आएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 4, एलसीएम आ जाएगा 12 कैंसिल, 1 बेटा 12 बाय 4 करोगे 3 आएगा. तो ऊपर 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 और 12 बेटा 3 पे कैंसिल हो जाएंगे. तो आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाय 3. ठीक है, हाँ थ्योरम दोबारा बता, दोबारा बता. क्या किया हमने, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इसी रॉड का अबाउट एन एक्सिस जो इसके एंड में से क्रॉस करे रॉड की, रेड वाली लाइन जो है. तो उसके लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर रहे हैं, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन इसके सेंटर ऑफ मास में से ड्रॉ कर दी. पहले ये वाला निकाला, ये निकाल चुके हैं पहले. अगला स्टेप होता है कि इस वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आया, उसमें प्लस करना होता है कि अगर ये रॉड रॉड ना होती, सिर्फ एक पॉइंट मास होती, उसको इस रेड लाइन के अबाउट ऐसे घुमाते तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, वो यहाँ पे ऐड करना होता है. तो सारी रॉड की मास है एम, और यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस RCM है L बाय 2. इसमें मास ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस का स्क्वायर और प्लस कर है ML स्क्वायर, ML स्क्वायर बाहर निकाल लो, बाकी ऐड करेंगे मैथमेटिकली तो 1 बाय 3 आ जाएगा. चलिए अब जरा नोट डाउन करना शुरू करिए. जो रॉड थी उसका मास था M, उस मास को गिवन एक्सिस से रॉड की शेप में नहीं, एक पॉइंट मास की फॉर्म में गिवन एक्सिस से कितना दूर रख के घुमाया जाए, डिस्टेंस कितना रखा जाए एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ताकि अगर होल मास को, पूरी रॉड की मास को एक पॉइंट मास की फॉर्म में प्लेस करें कितने डिस्टेंस पे, ताकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम सेम as the original body was having about the given axis. तो उस डिस्टेंस को, उस रेडियस को नाम देंगे रेडियस ऑफ करेक्शन. मान लो हमें ना ये जो हमने निकाला अभी 1 by 12 ml square, हमें पूछते के इस रॉड का ना रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट. करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल काम है. करना आपको सिर्फ ये है
कि आपने इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना एम के स्क्वायर लिख देना, ये नीचे लिखा हुआ देखो बेटा, नीचे लिखा है एम के स्क्वायर, कोई हाफ नहीं आएगा, कोई वन बाय ट्वेल्व कुछ नहीं आना, ओनली एम के स्क्वायर से इक्वेट करो, एम को एम से कैंसिल करो और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो बेटा, के स्क्वायर का रूट लेंगे के आएगा, एल स्क्वायर का रूट लेंगे एल आएगा, ट्वेल्व का स्क्वायर रूट होगा बेटा टू रूट थ्री, बस रेडियस ऑफ गायरेशन आ गई। दोबारा सुनो, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आया उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपने इक्वल टू एम के स्क्वायर पुट करना है, एम एम पक्का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मास रॉड का भी वही है जो हमने पॉइंट मास रखा, एम एम कैंसिल, जो आंसर आ गया उसका रूट ले लो, रेडियस ऑफ गायरेशन निकल आएगा। चलिए आज की लास्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे रॉड का सारा मास एक पॉइंट मास की फॉर्म में रखा होता अगर, तो वो मास जब घूमेगी सेम एक्सिस के अबाउट तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जितना ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का था, उस डिस्टेंस को या उस रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। निकालने का तरीका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होना चाहिए, उसको इक्वेट करिए विद एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंबल है के, एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए, एम एम करेंगे कैंसल और दोनों साइड का लेंगे स्क्वायर रूट, के का वैल्यू निकला।